हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हो? ठीक हो? बढ़िया ही रहो। आज फिर नया दिन, नहीं तो आज सारा दिन सोते ही रहे। अब बस रेडी हुए हैं, बच्चों को थोड़ा घुमाने लेके जा रहा हूँ। मैं कहा बच्चों को आज हम ट्रैम्पोलिन पार्क लेके जा रहे हैं, बाउंसी करके है जो मलाड़ में है। यहाँ से काफ़ी 2 घंटे लग जाएंगे मेरे साथ जाने में, वो दूर है थोड़ा सा, तो वहाँ जाके थोड़ा इन्जॉयमेंट करेंगे अभी। तो बाकी आपको भी दिखाएंगे वहाँ पे हम क्या क्या। तो अभी मीटिंग चल रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जंपिंग करने ना। चलो मामी जी, आप भी जंपिंग करना। क्या हुआ अभी बुढ़ापे में भी करो? क्या हो गया आपको? कह रहे हैं बूढ़े हो गए हो। तो चलो फिर बताओ मम्मी यार, और जवान हो जाओगे। चलो आपका पति कहाँ रह गया? अब आप बड़ा पाव खा रहे हो, पति तो आपका आया नहीं। भाभी को डांट पड़ी है, तो भाभी बड़ी जो सबसे पहले जाओगे बैठिए। देखो हाँ देख लो, रात को आपसे आए खाना भी खाना है ना। खा भी लिया उन्होंने। देख लो देख लो, आप बड़ा पाव खा रहे हो। बहुत देर लग गई गुरु भाई साहब, टाइम देखो क्या हो रहा है। क्या करे, हमारे भैया जी आए नहीं अभी तक। भैया जी तुम्हारे कहाँ है? तुम्हारा मियाँ बस आ ही रहे हैं, बहुत लेट हो गए। शायमा बेबी बहुत टाइम लगाता है। तो गुरु मामा फुल जोश से गाड़ी भगाते हुए, क्योंकि टाइम जो है अभी भी 1 घंटे से ऊपर का दिखा रहा है पहुंचने का, और 8 बजे तक हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि 7:45 तो हो चुकी है। आप टाइम देखो, तो देखो आप भाई पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या लगता है? देखो पहुंचेंगे, बच्चे भी पीछे परेशान हो रहे हैं बैठे हुए हैं। देखो पहुंचे तब भी अच्छा, नहीं पहुंचे तब भी अच्छा, नहीं पहुंचे तो पैसे डूब जाएंगे, यही होगा बस। जो 6,000 रुपए लगाए जो भी टिकट के पैसे डूब जाएंगे। शायमा बेबी कहाँ है? गाड़ी कहाँ लेके जा रहे वो इतना कैमरे से घबराता है, गाड़ी भगा रहा है वो। गाड़ी ठोक देगा वो जी। नहीं है जॉब अवेलेबल, सच्ची इधर आईआईटी करके लोग रेलवे में नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? आईआईटी करके रेलवे में नौकरी। तो बंदे को कहाँ जाना चाहिए? आईआईटी करके इंजीनियर। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करके बंदे को कैनेडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। पिछला तो अभी करिए, कनाडा चलिए, इंडिया में कुछ नहीं है। हाँ जी। सही रहेगा, सही बात है भाई साहब। वैल्यू तो है ना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ज्यादा अच्छा है। क्या करना तूने, कौन सी पढ़ाई कर रही है? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में ना, तो तेरा अभी 1 साल हो रहा है। 1 साल क्यों? 12th में ना। हाँ तो बस ठीक है ना, कोई बात नहीं, 1 साल बाद तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कनाडा सेटल हो जाओ। आपका नोट दे दो, फिर हम मिलने आएंगे आपको वहाँ पे। कौन सी 2 रुपए है? फोर्थ फ्लोर पे जाना पड़ेगा। चलो तो फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं, फोर्थ फ्लोर पे है, लेट तो हम हो गए हैं, पता नहीं देखो कितना टाइम मिलता है क्या होता है। ओए नहीं कर पाया। नहीं होगा बेटे, thank you.
ये मैं इसलिए नहीं कर पाया, ओवरवेट की वजह से मेरे को उन्होंने मना कर दिया करने के लिए, इसलिए मैं कर नहीं पाया ये। बाकी सबने किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। एक घंटे का हमारा टाइम अप हो गया, हमने इंजॉय बहुत ज्यादा किया, बहुत मजा आया। मतलब जब मार 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 कर एकदम थकावट इतनी ज्यादा हुई है, सात सात हो गए और सबने एंजॉय किया। क्यों भाई गुरु सिंह कैसा है एक्सपीरियंस? है ना बहुत मजा आया। निशान मोटा भाई को भी मजा आया, मोटा भाई थोड़ा पतला हो जाएगा, है ना। इसना कैसा रहा? इसको पूछो ना, इसको पूछा नहीं, आपको कैसा लगा? ये को गुस्सा हो गई। फैंस को कैसा लगा भाई? बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा एंजॉय तो आपने किया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई है क्योंकि सबसे लास्ट में मुझे बहुत दौड़ाया गया है। नहीं मजा आपने भी किया है, टाइम अप हो रहा था। तूने कितना एंजॉय किया? मुंह तेरा पूरा लाल हुआ है जम मार मार के गर्मी से, हैं? एंजॉय किया? थकावट हो रही है? पैसे खून निकल गया। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, तो ये सब अभी रोलर कोस्टर पे जाने की तैयारी हो रही है। मैं थोड़ा पेट मेरा थोड़ा ज्यादा बाहर है आपको पता ही है, तो उसकी वजह से मेरी बेल्ट बंदी हो रही, तो मेरे को उन्होंने परमिशन नहीं दी जाने की। तो ये सब लोग बैठ गए हैं अभी। सैंस मामी बहुत ज्यादा डर रही है, देखो मैं क्या करूँ बता, आपको आ रहा था वो नहीं आ रहा, आ रहा था शर्त हो गई, मना कर दिया उन्होंने, नहीं आ रहा। ये लड़की को सबसे ज्यादा जल्दी सी जाने की और सबसे डर भी ये रही है, शक्ल देखो अबे। हाँ छत्तीसगढ़ वालों को डर लगता है क्या? डर नहीं लगता, पर मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान का नाम लो। पापा जी बचा लियो, पापा जी दिख नहीं रहे ऊपर। बाय बाय बाय। कैसा रहा? मजा आया? हाँ भाई मजा आया। सिमरन ने भी था, पर ये हमारी किमरन को उन्होंने मना कर दिया, किमरन की मम्मा के पास रहूंगी तो गई नहीं। आपने मम्मा को नहीं जाने दिया ना? भाभी क्यों नहीं गई? मजा आया। ये लड़की ने सर पकड़ के बैठ गई, आवाज ही नहीं निकल रही। तो मतलब सब लोगों ने लास्ट में रोलर कोस्टर में ही सबसे ज्यादा एंजॉय किया है। तुम लोगों ने बाउंसिंग में भी इतना एंजॉय नहीं किया, रोलर कोस्टर में किया है। क्यों निशान? हां जी, रोलर कोस्टर पे वो भाई साहब पानी लेके आ रहे हैं। क्यों मतलब लास्ट में ही तुम लोगों ने एंजॉय किया सबसे ज्यादा, है ना? तो बहुत सारा एंजॉयमेंट करने के बाद लगी है भूख, अब खाना खाना ठीक है ना। अब हम खाना खाने आए हैं यहाँ पे मिनी पंजाब में। ये यहाँ का काफी माना हुआ रेस्टोरेंट है बॉम्बे का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना है इसका, मैंने भी खाया हुआ है पहले, तो आज यहाँ पे खाएंगे आप। तो काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, अब यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। नाइट फाउंटेन, तो इन्होंने यहाँ पर एक पुरानी बैलगाड़ी भी खड़ी की हुई है शो ऑफ के लिए, बाहर मंजिया पड़ी है, पूरा पंजाब का कंसेप्ट है।
मैं यहाँ बैठू या वहाँ बैठू? तो मैं कहाँ बैठू यार? ये तो मुझे धर्म संकट में बता दिया आपने, अब मैं वहाँ चाहिए। यार देख बीवी नाराज हो गई, मेरे को रहना तो आती है, तू दो दिन का मेहमान है ना यार, मेरे को जिंदगी गुजारनी है भाई। अब आप बताओ मैं कहाँ बैठू? चलो कोई बात नहीं, खुश करता हूँ वही बैठता हूँ। चल भाई वही आ रहा हूँ मैं, बोल लव यू। खाऊंगा कौन सा पनीर? पनीर टिक्का मसाला खाऊंगा मैं। पनीर टिक्का या शाही पनीर? शाही पनीर खाऊंगा। अच्छा है, मतलब मैं शाही पनीर खा रहा हूँ, बाकी तुम लोग अपना ऑर्डर देखो। तुम लोग क्या खाओगे? भाभी क्या खाओगे? आप लोग क्या खाओगे? मेरी बीवी क्या खाएगी? ऑर्डर कर यार, जल्दी से ऑर्डर कर भाई। चलो जो मर्जी मंगाते फिर यार। शाही पनीर वाकई कमाल का है, मजा आ जाएगा। बड़े दिन बाद शाही पनीर खाऊंगा, दिल्ली में खाया था लास्ट, मजा आ जाएगा। तो खाना तो बहुत सारा खा लिया, ओवर ही हो गया, बल्कि दो दान तो मैं एक्स्ट्रा खा लिया। क्यों भाई? हाँ अच्छा खाया, खाना अच्छा था, टेस्टी था। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर वी आर गोइंग? जहाँ जीजा जी कहे, तो जीजा जी कहेंगे हम घर ही चलते हैं। घर ही चलते हैं, थक गए सारे, नींद भी आ रही है, पेट भी फुल हो चुका है। तो बाकी थैंक यू तूने निर्णय कराया, पॉलिथिंग में लेके गया, रोलर कोस्टर राइड तो मैं नहीं कर पाया। चलो अगली बार पतले होके आएंगे फिर करेंगे। बाकी एंजॉय तुमने बहुत किया। क्यों बच्चों तुमने एंजॉय किया? हैं थैंक यू मत बोलना तुम कभी, देखा थैंकनेस बच्चे है, थैंक यू भी नहीं बोलते। चलो कोई बात नहीं, नहीं बच्चे अपने ही यार, थैंक यू कि हमारा फर्ज है, हम ही खिलाएंगे उनको, और कौन खिलाएगा मेरे को ये बता। सही बात, तो बस हम घर जा रहे हैं, घर पहुंच के आपको फिर एक बार बाय बाय टाटा जो वहीं पे फाइनल करेंगे, ठीक है ना? तब तक बातें होते करेंगे गाड़ी में, थोड़ा सा प्राइवेट बातें जो होती है जो भाइयों की आपस में होती है, बाकी घर जाके आपको बताएंगे क्या बातें होगी। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:19, कहने को मुंबई में रात को 11 से 5 तक का कर्फ्यू है। भाई ये कौन सा कर्फ्यू होता है? हम भी तो बाहर घूम रहे हैं, पर लोग दुनिया भी घूम रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सब देख रहे हैं कि कोई कर्फ्यू में बाहर तो नहीं आ रहा। तो अभी ये देखने आए हैं, और ट्रैफिक और फुल ट्रैफिक है बाहर इस टाइम पे, देखो 12:12। अभी बहुत इंजॉय किया बाबा जी, जंपिंग, उसके बाद फिर रोलर कोस्टर, उसके बाद फिर मिनी बाजार में खाना, मजा आ गया। मिनी बाजार में खाना नंबर वन है, अच्छा खाना था, बढ़िया था। नहीं बेटा मैं नहीं खाता। और मामा जी सोए नहीं अभी आप? अरे मैं आपका वेट कर रहा था यार। अरे मामा जी सोए थे, इतनी देर तक क्यों बैठ रहे थे? नहीं नहीं यार, हम तो गाड़ी में सोते आए हैं। अरे सोते आप आए ना, हम भी सोते ना, जब तक हमारे बच्चे घर में ना आए हम सोते नहीं है। आ गए मामा जी, आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब कमेंट फॉलो, गुड नाइट, बाय बाय बाय।